भूपेश बघेल आज उस समय चकित रह गए जब उन्होंने सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के बच्चों से फर्राटेदार अंग्रेजी भाषा में वार्तालाप सुना। दरअसल मुख्यमंत्री बघेल ने आज रायपुर से वर्चुअल तरीके से जुड़कर बलौदाबाजार जिले के विकास के लिए करोड़ों रुपए की सौगात दी। उन्होंने बलौदाबाजार में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट शासकीय अंग्रेजी माध्यम हायर सेकेंडरी स्कूल के नए परिवर्धित भवन का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम का आयोजन अंग्रेजी स्कूल परिसर में किया गया था। स्कूल की कक्षा नौवीं की छात्रा कामाक्षी नामदेव ने मुख्यमंत्री से बिना हिचक के फर्राटेदार अंग्रेजी में बात की। अंग्रेजी में अपना परिचय देते हुए स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं की मीनाक्षी ने जानकारी देते हुए बताया कि वो कक्षा नौवीं की शासकीय अंग्रेजी माध्यम हायर सेकेंडरी स्कूल बलौदा बाजार में पढ़ती है। हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। इस स्कूल में काफी अच्छी अधोसंरचना विकसित की गई। शैक्षणिक वातावरण काफी अच्छा और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। स्कूल में पढ़ाई के लिए अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, बायो लैब और प्लेग्राउंड आदि भी है। सभी बच्चे इस स्कूल में प्रवेश लेकर बहुत खुश हैं। मुख्यमंत्री सरकारी अंग्रेजी स्कूल के बच्चों का अंग्रेजी ज्ञान और आत्मविश्वास देखकर काफी खुश हुए और उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। डेस्क रिपोर्ट, समय न्यूज़।